हेलो एवरीवन, दिस इज AK22। आप सभी का स्वागत है आर्क सर्वाइवल इवॉल्व रैग्नारॉक में। और लास्ट टाइम हमने यहाँ पर एक छोटा सा बेड लगा दिया था ताकि हमारा स्पॉन सेट हो जाए, और हम अभी जो है वो जंगल एरिया में हमने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करा है, हमारा मैप किया है। अब मुझे क्या करना है, इस जगह पर हम एक छोटा सा घर बनाने वाले, पर उसके लिए मुझे स्टोन, और मैं सीधे स्टोन का घर बनाने वाला हूँ, इसलिए हमें थोड़ा सा एक्सपी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो लेवल है वो अभी काफ़ी कम है, 19 लेवल है, और हमें चाहिए है 24 लेवल जहाँ पर हमारा खुलेगा स्टोन फाउंडेशन और स्टोन की सारे बिल्डिंग्स। ठीक है, तो फटाफट से हमारा एक्सपी ग्राइंड करते हैं, और एक्सपी ग्राइंड करने के लिए हमारे पास मुझे मोटर पेस्टल भी लगाना था ताकि हम थोड़ा सा यहाँ पर लगा देता हूँ मैं इसी पे ही। ठीक है, ये लग गया हमारा मोटर पेस्टल, और इसमें हम डाल सकते हैं रॉटन फ्लैश। स्पार्क पाउडर बनाने के लिए आपको फ्लिंट डालना पड़ता है इसमें, इससे बनेगा नार्कोटिक। नार्कोटिक के लिए मुझे स्पॉइल्ड मीट, हमारे पास 4 है, और थोड़ी सी चाहिए हमारे नार्कोबेरीज, ये रहा, और ये बन गया हमारा। मैं पूरा क्राफ्ट कर लेता हूँ इसको। स्पार्क पाउडर इसलिए ताकि हम जब बनाएंगे हमारा प्रिजर्विंग बिन तब हम उसमें रख सकेंगे इसको। ठीक है, स्पॉइल करना पड़ेगा मीट, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है स्प्लिट ऑल। स्प्लिट ऑल करोगे तो ये सब स्प्लिट हो जाएंगे, और ये एक एक इंडिविजुअल हैं तो जल्दी जल्दी ये मीट जो है वो स्पॉइल होने लगेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मुझे मीट तो काफ़ी सारा मिल जाएगा तो मैं सबको स्प्लिट कर देता हूँ। नाइस, अब ये एक साथ स्पॉइल होंगे, और इसके साथ हम ढेर सारा नार्को भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, और क्या मैं नार्को, मैंने अभी अनलॉक नहीं करे हमारे नार्को एरोस, ये होंगे शायद ये वाले हैं 21 पे। ठीक है, तो अभी हमको थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ेगा, एक लेवल हो गया हमारा। ओके, तो अब थोड़ा सा शिकार करते हैं। यहाँ पर एक कार्बोनिमस घूम रहा है, हमारा स्पाई ग्लास कहाँ पर है? स्पाई ग्लास मैंने बनाया नहीं है क्योंकि स्पाई ग्लास के लिए चाहिए रहता आपको क्रिस्टल, और क्रिस्टल अभी हमारे पास है नहीं, तो हम जाते हैं इस कार्बोनिमस के पास और देखते हैं इसका लेवल क्या है। इसका लेवल 23 है, कोई बात नहीं, हमें अगर एक और रैप्टर मिल गया तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो हम इतनी दूर अभी आए नहीं हैं, हमने जितना मैप एक्सप्लोर करा था वो ज़रा सा ही है। तो एकदम लश ग्रीन यहाँ पर हमारा आसपास का नेबरहुड है, और यहाँ पर पाइनएपल ट्री, क्या कोकोनट ट्री, ओह एक ब्रिज है वहाँ पर, नाइस। इधर ब्रिज पे चल के देखते हैं, मुझे एक्सप्लोर करना है क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैप है रैग्नारॉक, और मज़ा आएगा इसमें। ओह एक ब्रोंटो है, क्या नाम है इसका, ये ब्रोंटो से छूटा वाला है कि ये ब्रोंटो ही है? ओके, हम भूले ना और ज़्यादा दूर ना जाएं हमारे घर से, मुझे बस हमारा एक्सपी बढ़ाना है। नाइस ब्रिज, ये हुई ना बात, इसको क्रॉस करते हो, गिरना मत, नाइस। ओके नाइस, रिवर यहाँ पर अच्छा खासा है, मुझे देखना है रिवर में क्या मिल सकता है और आसपास कौन से जानवर है। मुझे क्रिस्टल भी लेना पड़ेगा ताकि हम अर्ली गेम एक स्पाई क्लास बना ले तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं, अगर यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रिज हैं यहाँ पर छोटे छोटे, देखो तो जो ये वाटर बॉडी को क्रॉस करने के लिए बनाए गए हैं। नाइस, हम इस तरफ तो आ गए, अब देखते हैं इस तरफ क्या है। और अगर आपको देखना है ना तो हमेशा अल्ट होल्ड करके देखो, आपके थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव ऊपर से, तो आपको आसपास घूमते हुए डायनासोर दिख जाएंगे। उधर एक रैप्टर बाबू है, होली स्मोक्स, मैं इससे फास्ट तो हूँ, लेट्स सी। ओ भाई, एक ही में गया ये, ओह ये अल्फा है क्या, शीश। क्रॉस करो, क्रॉस, पुई, ओनो 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 ओनो, हम मर गए। ओह कैंसिल कैंसिल कैंसिल, मुझे तैरने दे, भागो, ओ बच गया, एक पैगोमास्टिक स्टेम हो गया साला मेरे ऊपर कूद के, ऑलमोस्ट बचे हम। नाइस, वो हमारे पैगोमास्टिक्स को मार रहा है, इसको तो बताना पड़ेगा, रुक जा पपलू तेरी, तो हमारा एचपी जो है वो बहुत कम हो गया। पैगोमास्टिक्स मर गया हमारा, और ये भी मरने वाला है। नाइस, यस ऑलमोस्ट मरे थे हम, हमारे पास खाना भी नहीं है, हमें खाना खाना पड़ेगा। कितनी एचपी है हमारी, चलो अच्छा वो मैंने एचपी में ज़्यादा पॉइंट्स डाल के रखे हैं, हम 200 कर लेते हैं इसको। नाइस, खा लो थोड़ी सी एचपी बढ़ा लो क्योंकि हम ऑलमोस्ट मरने वाले हैं, और मुझे थोड़ा सा मीट जो है वो करना पड़ेगा, और यहाँ से हम रैप्टर मीट ले लें। बस मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पर पिरानास तो नहीं है ना इस वाटर बॉडी में, नहीं है, मैं इसको ऊपर लेके जा सकता हूँ। यस, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं पर कोई
काट खाएगा पानी में, तो इसको उठा के आप ऊपर लेकर आ सकते हो। चल नाइस, रिलीज बॉडी। अब यहाँ पर हम इसको बैठ के निकालते हैं। मुझे क्या चाहिए, राइट हाइट चाहिए है, तो हाइट के लिए हम दोनों ज़्यादा ही मिल रहा है हमें, कोई नहीं, अच्छी बात है। अगर वो पैगोमेस्टिक्स नहीं मेरे ऊपर कूदता ना तो क्या हुआ था हमारे साथ, रैप्टर भी कूदा और पैगोमेस्टिक्स भी एक साथ कूदा। तो मेरी लास्ट स्लॉट में, इन्वेंटरी स्लॉट में हमारे बेरीज रखी हुई थी, उसने खाया और वो इंस्टेंटली टेम हो गया, ठीक है। और फिर रैप्टर है वो उसके पीछे पड़ गया। नाइस, थैंक यू पैगोमेस्टिक्स, पर बेचारा मर गया, सैक्रिफाइस हो गया हमारे पीछे। और ये रहा दूसरा रैप्टर, इसके इन्वेंटरी में क्या है, ओहो एरो मिले हमें, नाइस। चलो हमारा लेवल अप हुआ है क्योंकि हमने अभी 2 डायनोज मारे हैं। वेट हो गया है 100। ऑक्सीजन भी आपको अगर डालना है ना, अगर आप ऑक्सीजन में पॉइंट्स डाल रहे हैं तो वो इसलिए रहते हैं ताकि आप पानी में ज़्यादा देर तक तैर सको अंडर वाटर। तो मैं थोड़े बहुत पॉइंट्स, हमारे एक लेवल और चाहिए फिर हमारा खुल जाएगा स्टोरेज। इसको ले लेता हूँ, थोड़ी सी हाइड एंड रॉ मीट। ओके, ये कलेक्टेबल है क्या, ये फ्लावर बड़ा प्यारा लग रहा है, ये भी कलेक्टेबल नहीं है, नोपी नोप। ओके, तो इस एरिया में रैप्टर्स हैं, पर वो फर्स्ट शॉट बहुत ही मस्त लगा था उसको, राइट ऑन द नोज, डेड हो गया था वो उसी टाइम, ठीक है। हाँ, तो मुझे एक और चीज़ करनी है, किसकी आवाज़ आई, इसलिए मैं बोलता हूँ। और ये वाला विजन जो है ये बेस्ट रहता है आर्क में, अगर आपको देखना है कि आपका दुश्मन कहाँ पर छुपा हुआ है, कौन पीछे पत्थर के पीछे बैठ के पॉटी कर रहा है, तो इसका पता आपको चल जाता है, ठीक है। इसलिए ये विजन मैं हर वक्त यूज़ करता हूँ, क्योंकि दूर घूम रहे रैप्टर्स आपको देख लें पर आप उनको ना देख पाओ तो। ओके, अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि मुझे स्टोन की बेस भी बनानी है, तो हम थोड़े से बहुत स्टोन भी कलेक्ट करेंगे साथ साथ। हम कितना एक्सप्लोर कर लिया हमने, ज़्यादा नहीं करा है, हम अभी भी बाउंड्री पर हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे टेरेडॉन्स हैं क्योंकि अभी हमारी सैडल खुली नहीं है, होपफुली 24th लेवल पर शायद खुल जाए सैडल हमारी। मैं ज़्यादा दूर जाऊँगा नहीं, अभी हमारी हेल्थ कम है, अब एक और फाइट नहीं ले सकते किसी भी रैप्टर से या कार्निवोर से। ओके, हमारी बेस पास में ही है, या कार्बोनिमस घूम रहे हैं, बहुत सारे टेरेडॉन घूम रहे हैं, और यहाँ पर हमारा टॉक्सिक दोस्त ये घूम रहा है। ए हेलो, जरा थोड़ा सा एक्सी बढ़ाते हैं, उसके पीछे पड़ा है हाथों के, नाइस हो गया। अगर आपको बेरीज चाहिए ना तो इसे टेम करो, रेयर फ्लावर टेम करने के लिए, मॉस शॉप को रेयर टेम करने के लिए आपको रेयर फ्लावर चाहिए रहता है, और अभी तक हमें क्या हुआ, रेयर फ्लावर नहीं मिला है। मैं ट्राई करता हूँ, हमको नार्को बेरीज भी चाहिए, तो थोड़ी बहुत बेरीज इकट्ठा करते हैं, फिर स्टोन इकट्ठा करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि ये सबसे अच्छा बंदा है। अगर आपको ढेर सारी बेरीज चाहिए है, उसको बस लगा दो काम पे और वो आपका काम कर देगा। बस आपको जाकर फिर थोड़ी थोड़ी देर में उसकी इन्वेंट्री से आपको बस निकालने हैं चीज़ें। मूवमेंट स्पीड 130 कर दूँ क्या, चलो इतनी काफ़ी है, इसके ज़्यादा नहीं करेंगे। और हमारा अब खुल गया है स्टोन, यस। ओके, चलो अब हम लगते हैं काम पर और थोड़े से स्टोन गैदर करते हैं, ठीक है। और हमारा ओवरवेट हो गया है, मैं सीड्स फेंक रहा हूँ सारे ऑलरेडी। तो यहाँ पर हम फाउंडेशंस लगाने वाले हैं, इसलिए मैंने लास्ट स्टोरेज बॉक्स जो है वो अनलॉक कर लिया है और बना भी लिया है। इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, ताकि हम सारा सामान जो है इसमें, क्योंकि हमारा अभी वेट इतना ज़्यादा है नहीं जितना हम कैरी कर सकते हैं, तो हमें स्टोन्स चाहिए, बाकी सारी चीज़ें हम इसमें डालते हैं, ठीक है। ये रख लो यहाँ पर, एरो रख लो। और फाउंडेशन बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, स्टोन, थैच एंड वुड, तो बस हम वही कलेक्ट करते हैं और इसमें ला कर रखता हूँ, फिर हम बनाते हैं, ठीक है, लेट्स गो। ऑलरेडी हमने डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टोन्स, थैच और वुड कलेक्ट कर लिया है, और हमारा लेवल अप भी हो गया है, तो मैं अभी 300 हमारा वेट कर दिया है, हमने लेवल 30 पे पहुंच गए हम, दैट्स गुड। अब फटाफट से हम इनको हमारी इन्वेंट्री में डालते हैं और बनाते हैं हम स्टोन फाउंडेशन। ऑलरेडी तो मैंने फाउंडेशन लगा दिए हैं स्टोन पे, और थोड़ा अनइवन बनाया, और अनइवन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर स्नैप नहीं हो रहा, और यहाँ पर से हमने इसको एक स्टेयर्स देंगे हम जो यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर हमारी डबल डोर फ्रेम लगने वाली है, ठीक है। छोटा सा हमारा स्टार्टर हाउस बनेगा यहाँ पर, मस्त वाला। और यहाँ पर मैंने इसको लोअर कर दिया क्योंकि यहाँ पर फिर स्नैप नहीं हो रहा था फाउंडेशन। और यहाँ पर हमने लगाया हमारा लार्ज वुडन स्टोरेज बॉक्स, ताकि हमको ट्रांसफ़र करने में, ऊपर नीचे लाने में बहुत सारा सामान, हम भारी हो जाते हैं और कूद नहीं पाते हैं, ठीक है। तो फटाफट से मैंने सारा सामान नहीं निकाला है अभी, इसके अंदर रखा हुआ है, तो हम पहले वॉल लगाएंगे, सारी चीज़ें ले लो वॉल, ठीक है, ताकि हम ज़्यादा ओवर वेट ना हो। और ये हमारा फाउंडेशन का काम अभी फ़िलहाल के लिए हो गया है, इसको भी ले लेते हैं।
स्लोप्स हम बाद में लगाएंगे ऊपर की फ्लोरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डोर होने वाला है लाइक दिस, ये हो गया डोर, नाइस टाइम। और यहाँ पर हमारी वॉल्स लगेगी, मैं बीच बीच में छोड़ रहा हूँ जगह क्योंकि वहाँ पर हमारी विंडो होने वाली है। एक विंडो यहाँ पर भी लगाएं क्या, नहीं यहाँ इसको हम ऐसे छोड़ते हैं, यहाँ पर विंडो लगेगी, इसमें भी यहाँ विंडो लगेगी, ठीक है। हम डबल विंडो दे सकते हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो पांच मैंने विंडो के लिए बना के रखा है लाइक दिस, यहाँ पे एक हुआ यहाँ पे, और इसको हम अभी बचा के रखते हैं एक वाली को, ठीक है। अब मैं वॉल्स लगाना शुरू करूँ, शायद हमें वॉल्स और ज़्यादा लगने वाली है, तो हम इसको पूरा ऊपर तक करेंगे। मैं इसको हाइट जो है डबल करने वाला हूँ क्योंकि सिंगल में मज़ा नहीं आता है, सिंगल में अजीब सा लगता है नीचे से। और हमारे पास सफिशिएंट मटेरियल है, हाँ यहाँ पर मुझे एक विंडो फ्रेम चाहिए, यस लगा दो, यहाँ पर भी एक विंडो फ्रेम लगाते हैं हम, नाइस। अब यहाँ पर हम छोटा सा बालकनी जैसा रखते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर रेलिंग लगाने वाला हूँ। अभी रेलिंग मैंने अनलॉक नहीं करी है। और ऊपर हम क्या लगाएं, विंडो फ्रेम अच्छी लगेगी, ठीक है। तो ये हो गया और ये ऐसा दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। अब हमें बनाना है डोर और विंडोज़। एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे ही खोल के रखते हैं, हम इसको बंद नहीं करेंगे, तो हमें विंडोज़ में हमारे रिसोर्सेज ख़राब नहीं करने वाले फालतू में, ठीक है। अब रेलिंग बना लेते हैं, रेलिंग के लिए हमारे पास इनफ मटेरियल है कि नहीं, हाँ वुडन रेलिंग, ये रहा स्टोन रेलिंग, थैंक यू। तो मुझे बनाना है, अब हम फटाफट से बना के लेकर आते हैं, वो है हमारा डबल रीइंफोर्स्ड डोर, ठीक है। यहाँ पर एक विंडो फ्रेम एंड यहाँ पर रेलिंग, ठीक है, दो रेलिंग ताकि हम यहाँ पर आराम से हमारी बालकनी में बैठ के चाय पी सकें, इजी क्लैप। ऑलराइडी, तो हमने बना के लेकर आ गए हमारे बाकी के आइटम्स, ठीक है। विंडो फ्रेम हमें कम पड़ रही थी चूँकि नहीं, यहाँ लगानी थी ऊपर की तरफ, ठीक है लाइक दिस। और डोर भी मैंने बना लिए हैं, डोर हो गई है, रेलिंग देन स्टेयरकेस, थैंक यू। तो डोर हम लगाते हैं, डोर कहाँ गया, 7 नंबर पे, दिस नाइस। और स्टेयरकेस यहाँ पर से लगेगा कि नहीं देखना पड़ेगा मुझे, वो लग रहा है, नाइस क्या बात है, सुपर इजी, नाइस। चलो हमारा स्टेयरकेस लग गया, मुझे लग रहा था अजीब लगेगा पर अच्छा दिख रहा है, बहुत मस्त लग रहा है। और हम रेलिंग्स भी लेकर आ गए, रेलिंग्स हम लगाएंगे यहाँ पर हमारी छोटी सी बालकनी में चिल मारने के लिए, नाइस यस। चलो रेलिंग हो गई है हमारी, और विंडो भी मैंने दो तीन बना ली थी ताकि हम जस्ट इन केस यहाँ लगा सकें, ठीक है यहाँ लगा देते हैं। नहीं 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 नहीं, पिकअप 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 पिकअप, नाइस। विंडो हम यहाँ लगाएंगे और एक बैक विंडो, ठीक है, एक यहाँ लग गई, एक यहाँ लगा दो, दैट्स गुड। ओके तो सीलिंग हम क्या करें, सीलिंग अभी हम नहीं लगाते हैं, हमारी बालकनी परफेक्ट हो गई है, यहाँ से निकलने का गिरने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और कोई डायनोज अब हमको मार नहीं सकता है क्योंकि हमारा जो घर है वो चारों तरफ से सुरक्षित है स्टोन से, ठीक है। इसको एक ही जना तोड़ सकता है और वो है गीगा, और गीगा यहाँ पर स्पॉन होगा नहीं, ठीक है। रैप्टर्स कुछ नहीं कर पाएंगे, ये देखो कहीं से भी जगह नहीं है कि ये ऊपर आ सके, कोई भी पपलू टपलू, ठीक है। यहाँ से हमारी इजी पीजी स्टेयर्स है ऊपर की तरफ, और हमारा डोर आ गया है, विंडो सब लगा दिया। सीलिंग मैं सोच रहा हूँ इसको हम स्लोप देंगे, चलो एक काम करते हैं, हम इसकी जगह सीलिंग ही पुट करते हैं। मैंने सीलिंग बनाई नहीं है क्या, सैड, सीलिंग बनाना भूल गया मैं, मेरे को नीचे से बना के लेकर आना पड़ेगा। हवाई सीलिंग बन गई है हमारा, फिर इसके ऊपर मैं एक काम कर सकते हैं, हम इसके ऊपर एक और फ्लोर भी बना सकते हैं, पर ज़्यादा हम इसको वो नहीं करने वाले, टाइम नहीं देंगे क्योंकि अरे हाँ मुझे यहाँ पर से स्टेयर्स चाहिए रहेगी। स्टेयर्स मैं कहाँ से बना सकता हूँ एक मस्त वाली, यहाँ से हम ऊपर वाले फ्लोर के लिए स्टेयर बना सकते हैं लाइक दिस, लेट्स सी। चलो देखते हैं, हम स्टेयर्स हम जो है वो नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे ऊपर वाला फ्लोर के काम, क्योंकि अभी हमें डायनोज भी टेम करने हैं। इस एपिसोड में तो हमारा मम्मी पूरा घर बन गया है,
हमको अगर चेंजेस करने पड़ेंगे तो ये छोड़ के रखते हैं बस हमें खुलासा, ठीक है। और हमारी गैलरी को भी जो बालकनी है छोटी सी, इसको भी हम स्पेस दे के रखते हैं, यहाँ पर भी हम कुछ बिल्ड नहीं करेंगे। व्हाट द हेक, अच्छा डोडो हो गया है, इसको वन नाम दो, ठीक है। ओके, तो हमारा छोटा सा घर, व्हाट इज दैट, छोटा सा घर जो है वो तैयार हो गया है। नाइस, सेफ एंड साउंड। और यहाँ पर हमने स्टोरेज भी लगा दिया है, बेड वेड सब पुट कर दिया है। मुझे एक ट्रायसेरोटॉप स्टेम करना है, जो कि हम करेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। क्योंकि मेरे पास अभी सैडल नहीं है, उसके पास नार्को एरोज मुझे काफ़ी सारे बनाने हैं, और वो बना के हम सबसे पहले एक ट्रायसेरोटॉप स्टेम करने वाले हैं, ताकि हमारे पास रिसोर्सेज काफ़ी सारे आ जाएँ। फिर हमें वुड, बेरीज, फाइबर्स, थैच के लिए ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े ज़्यादा, ठीक है। हम उसको एक स्टोरेज में भर के रख लेंगे और फिर हम जाएंगे मेटल एज की तरफ और नए डायनोज की खोज में, और मुझे बहुत सारा एक्सप्लोरेशन भी करना है। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। इस एपिसोड में हमने हमारा छोटा सा सुंदर सा घर बना लिया, इतना सुंदर भी नहीं है पर चलता है। ओके, विश यू ऑल गाइस नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय देन, सी यू।